नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी, आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के गुनेली ग्राम में वीरभद्रेश्वर स्वामी का नवा जात्रा महोत्सव, मंडप्पा खाशमपुर अजय सिंह के अलावा श्री भीमा शंकर, लिंग शिवाचार्य हेमावत केदार गुरुजी ने भाग लिया। भारत दौरे के पहले दिन गुजरात पहुँचे बोरिस जॉनसन, साबरमती आश्रम में चलाया चरखा, बापू के बारे में लिखा संदेश। हमारा देश राज सिंहासन की बपौती नहीं है, सिविल सेवा दिवस पर बोले पीएम मोदी। झारखंड में कोयला खदान धंसी, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, मीडिया के हवाले से मिली यह जानकारी। भाइयों ने इकलौती बहन के मायरे में भरे 51 लाख रुपए, 25 तोला सोना ससुराल वाले देखते रह गए। अब समाचार विस्तार से। बीदर के गुनली ग्राम में वीरभद्रेश्वर स्वामी का नवा जात्रा महोत्सव चल रहा है। यह जात्रा समारोह पूज्य श्री बसवलिंग देवरु खटक चिंचोली के नेतृत्व में गुनली ग्राम के निवासी मिलकर मना रहे हैं। इस अवसर पर जनता दल के शासक बंडप्पा खाशमपुर, अजय सिंह, काशीनाथ बेलदार और पूर्व APMC चेयरमैन गुनली वीरेंद्र पाटिल और दूसरे उपस्थित रहे। इस महोत्सव में श्री भीमा शंकर लिंग शिवाचार्य हेमावत केदार गुरुजी ने भाग लिया और गुनली ग्राम में वीरभद्रेश्वर स्वामी का नवा जात्रा महोत्सव के संबंध में बताया और लोगों को धर्म संदेश दिया। उन्होंने हेमवत केदार वैराग्य पीठ में आने और प्रसाद प्राप्त करने का लोगों से आग्रह किया और कहा कि वहां पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त है। इस अवसर पर वीरेंद्र पाटिल ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस यात्रा महोत्सव के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। गुनली ग्राम बीदर तालुका का नौवा वीरभद्रेश्वर जात्री महोत्सव चल रहा है। आज केदर के श्री श्री भीमा शंकर शंकरलिंग शिवाचार्य हिमावत केदार गुरुगुरु गुरुजी यहाँ पर उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है और पूज्य श्री बसवलिंग देवरु हिरेमठ खटक चिंचोली उनके नेतृत्व में हमारे गांव के सभी समाज के लोग ये कार्यक्रम को अच्छी तरह से यशस्वी कर रहे हैं और सभी हमारे गांव के माताओं और युवकों को मैं सबके हमारे गांव के ग्राम के तरफ से अनंत अनंत धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाकर हमारे गांव का कीर्ति नाम रोशन करने के लिए सबको मैं धन्यवाद कहने का इच्छा करता हूं और हमारे क्षेत्र के जननायक MLA साहब श्री बंडप्पा खाशमपुर भी ये कार्यक्रम को आने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में गुनली ग्राम में ये कार्यक्रम चल रहा है, सबका सहकार के वजह से ये कार्यक्रम यशस्वी हो रहा है, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र पाटिल, मैं माजी APMC चेयरमैन बीदर गुनली ग्राम का हूँ और सभी यहाँ पर गुनली ग्राम और बाहर के लोग भी आए हैं, सबका मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। गुनली क्षेत्रनाथ वीरभद्रे स्वामी 9वीं जात्रा निमित्तवागि ई ओंदु जात्रा कार्यक्रमदल्लि विशेषवागि इवत्तु नम्मेल्लरिगे आशीर्वादवन्नु नीडलक्के बंदिरुवंत केदारपीठद 1008 जगद्गुरु भीमा शंकरलिंग शिवाचार्य भगवत्पादर महास्वामिगळवर ओंदु कृपा आशीर्वाददिंद ಇವತ್ತು 9ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಭಿ ಬಡೆ ಬಡೆ ಗುರುಜಿ ಆಕೆ ಹಮಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರ್ನ ಚಾಹಿಯೆ ಅಭಿ ನೌ ಸೇ ಅಭಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೇ ಅಭಿ ದೋ ದಿನ ಸೇ ಬೋಲೆ ತೋ ಬಡೆ ಬಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಲನ ಚಾಹಿಯೆ ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಬೋಲೆ ತೋ ಹಮದು ಕಿಸಿ ಸೇ ಭಿ ಶಾಂತಿ ಔರ್ ತೃಪ್ತಿ ನೈ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಗುರು ಸೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೇ ತೃಪ್ತಿ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಬೋಲ್ಕೆ ಏ ಗುರುಜಿ ಕೆ ಏಕ ದೋ ದಿನ ಕಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಚ್ಛೆ ಸೇ ಅಚ್ಛೆ ಗೋನಲಿ ಮೇ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಹೈ ಬಡಿ ಸೇ ಕರ್ನ ಚಾಹಿಯೆ ಅಭಿ ಭಿ ಅಭಿ ಅಭಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಭಿ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಸೆ ಭಿ ಹಮಾರ ಕ್ಯಾ ಬೋಲೆ ತೋ ಕೋಯ್ಸಾ ಪೈಸಾ ಸೇ ಕಭಿ ಕಿಸಿ ಸೇ ಭಿ ನೈ ಮಿಲ್ತಾ ಹಾ ಶಾಂತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಿಮವತ್ ಕೇದಾರ ವೈರಾಗ್ಯ ಪೀಠದಿಂದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 9ನೇ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇದಾರನಾಥನ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವುದು ತಿಥಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮೇ 6 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇದಾರನಾಥ ರಾವಲ್ ಜಗದ್ರುಳಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಶಹರ್ ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ್ ಮೇ ಕಲಬುರಗಿ ಶಹರ್ ಕೆ अलन तालुका के पूर्व शासक बीआर पाटिल ने प्रेस मीट में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जो कर्नाटका के पीएसआई घोटाला संबंधित बीजेपी की विवादित विविधता नेता दिव्या हेगड़ागी को जल्द ही पकड़ना चाहिए और जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है यह सरासर झूठ है. वो पिछले 9 साल से बीजेपी की सक्रिय सदस्य है और दिशा की सदस्य और नर्सिंग काउंसलिंग की सदस्य है. जो कोई भी मंत्री आया वे कलबुर्गी को उनके घर गए उनका सम्मान हुआ. दिव्या हेगड़ागी का कहना है कि सभी बीजेपी नेताओं को मालूम है और पुलिस को भी मालूम है कि वो कहाँ है. सभी लोग उसको बचा रहे हैं. सरकार पर हमारा भरोसा नहीं. ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪವನ್ನು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಏನಿದು ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆ ಮಾಡುವಂತಹ. ಲೌಡ್ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರ್ ವಿವಾದ ಕೆ ಬೀಚ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಸೇನಾ ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೋ एक अल्टीमेटम दिया है. श्री राम सेना अध्यक्ष प्रमोद मतलक ने कर्नाटक सरकार को 9 मई से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम जारी किया है. श्री मतलक ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं की गई तो उनके कार्यकर्ता विभिन्न मंदिरों और मठों से हनुमान चालीसा ओमकारा और भजनों का जाप करना शुरू कर देंगे. उन्होंने कहा कि संगठन ने 9 मई से विभिन्न मंदिरों और मठों से एक दिन में 5 लाउडस्पीकरों पर हनुमान चालीसा ओमकारा और भजन बजाने का फैसला किया है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बृहस्पतिवार की सुबह 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे. भारत दौरे की शुरुआत जॉनसन ने गुजरात से की जहां उन्होंने साबरमती आश्रम पहुंचकर बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया. इसके बाद उन्होंने चरखा चलाकर सूत काटा. यहाँ के विजिटर बुक में उन्होंने लिखा यह समझने के लिए कि कैसे गांधी जी ने सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने और बदलने के लिए प्रेरित किया. इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है. जॉनसन के अहमदाबाद पहुंचने पर हवाई अड्डे से शहर के एक होटल तक 4 किलोमीटर के रास्ते में भव्य स्वागत किया गया. हवाई अड्डे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका स्वागत किया. इस दौरान उनके साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहे. ब्रिटिश प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक गुजराती नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया गया. इस दौरान उनका काफिला होटल की ओर बढ़ता रहा. एयरपोर्ट सर्किल से 5 सितारा होटल तक 4 किलोमीटर की दूरी के बीच नियमित अंतराल पर 40 प्लेटफॉर्म बनाए गए थे जहां कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर नेशन फर्स्ट की बात दोहराई है. उन्होंने इस दौरान देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की बात कही. पीएम मोदी ने कहा कि हमारे हर काम में कसौटी एक होनी चाहिए. इंडिया फर्स्ट नेशन फर्स्ट मेरा राष्ट्र सर्वोपरि. उन्होंने कहा है कि हमारा देश राज्य व्यवस्थाओं से नहीं बना है. हमारा देश राज सिंहासन की बपौती नहीं रहा है न ही राज सिंहासन से यह देश बना है. इस देश में सदियों से जन सामान्य के सामर्थ्य को लेकर चलने की परंपरा रही है. लोकतंत्र में शासन व्यवस्थाएं विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित हो सकती हैं. लोकतंत्र में यह आवश्यक भी है लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके केंद्र में देश की एकता को मजबूत करने के मंत्र को हमें आगे बढ़ाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम देश की अखंडता और एकता से कोई समझौता नहीं कर सकते. झारखंड के धनबाद में एक अवैध कोयला खदान धंस गई है जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. ये जानकारी लोकल मीडिया के हवाले से मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस समय ये घटना घटी उस समय इस खदान में अवैध खनन चल रहा था. इसमें 12 लोगों के फंसे होने की खबर है. विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर. खबरों से जुड़े चुपते सवाल.
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाया जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट पर आज अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से उनका आरोप है कि ख्वाजा कॉलोनी कस्बा व थाना पागबड़ा जनपद मुरादाबाद में वर्षों से गुलाम जिलानी के पुत्र इरशाद हुसैन निवासी डिंगरपुर थाना मैनाठेर मुरादाबाद फैजबी व नदीम के माध्यम से सेक्स रैकेट चलवाता आ रहा है। इस सेक्स रैकेट में नाबालिग बच्ची के साथ कई लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया, परंतु कई सफेदपोश ऊंची पहुंच वालों का इस सेक्स रैकेट में मुलजिमानी होने के कारण पुलिस गिरफ्तार करने से बच रही है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने मांग की है कि सेक्स रैकेट संचालक व उसके सहयोगी समाज के लिए घातक है, इन पर रासुका की कार्यवाही की जाए एवं दुष्कर्म के आरोपियों व वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर जेल भेजा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, उसके बलात्कार की पीड़ित महिलाओं को आर्थिक आवासीय सुविधा सुरक्षा दी जाए। अभी तक पुलिस व जिला प्रशासन ने पीड़िता को कोई सुविधा नहीं दी, यह सुविधा दिलाई जाए। ख्वाजा कॉलोनी पागबड़ा में सेक्स रैकेट संचालक गुलाम जिलानी, फैजबी नदीम आदि आपराधिक गैंग बनाकर समाज विरोधी कार्य करते हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए। ओमकार सिंह एडवोकेट ने इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लगातार भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई का दौर जारी है, इसी के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के कई मामलों में संज्ञान लेते हुए बाराबंकी में तैनात वाणिज्य कर की असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि चौरसिया को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार बाराबंकी में असिस्टेंट कमिश्नर प्रभारी वाणिज्य कर के पद पर तैनात अंजलि चौरसिया के विरुद्ध विधिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए गलत साथियों और कूटरचित चित्र पत्रों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है।
अंजलि चौरसिया पर भ्रष्टाचार के कई मामलों का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। राजस्थान के नागौर जिले का एक और मायरा चर्चा में है। यहां अपने दिवंगत भाई की इच्छा पूरी करने के लिए उसके चार छोटे भाइयों ने अपनी इकलौती बहन की बेटियों की शादी में 71 लाख का मायरा भरा है। इसमें भाइयों ने बहन को 51 लाख रुपए नकद, 25 तोला सोना और 1 किलो चांदी के जेवर और अन्य सामान मायरे में भेंट किया। इन भाइयों ने अपनी भांजियों की शादी में बहन के यहाँ यह मायरा भरा था। इस बार चर्चा का विषय बना यह मायरा नागौर के लाडनों में भरा गया है। भाइयों ने अपनी बहन को 500-500 रुपए के नोटों से सजी चुनरी भी उड़ाई। बहनों के यहाँ मायरा भरने के लिए प्रसिद्ध नागौर में हर साल कोई ना कोई ऐसा मायरा भर देता है जिसकी चर्चा चारों ओर हो जाती है। पिछले साल बोरों में रुपए भर कर लाए भाइयों ने मायरा भरा, तो इस साल 51 लाख रुपए नकद और 25 तोला सोने का मायरा चर्चे में है। नागौर जिले में मायरे की परंपरा अनूठी रही है। हमेशा से ही ऐसे मायरे भरे जाते हैं, लेकिन अब जमाना सोशल मीडिया का है तो ऐसे मायरों की चर्चा जल्द ही चारों तरफ फैल जाती है। इस बार नागौर का जो मायरा चर्चा में आया है वह लाडनों में भरा गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गुनेली ग्राम में वीर भद्रेश्वर स्वामी का नवा जात्रा महोत्सव। मंडप्पा खाशिमपुर अजय सिंह के अलावा श्री भीमा शंकर, लिंग शिवाचार्य, हेमावत केदार गुरुजी ने भाग लिया। भारत दौरे के पहले दिन गुजरात पहुंचे बोरिस जॉनसन, साबरमती आश्रम में चलाया चरखा, बापू के बारे में लिखा संदेश। हमारा देश राज सिंहासन की बपौती नहीं है, सिविल सेवा दिवस पर बोले पीएम मोदी। झारखंड में कोयला खदान धंसी, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, मीडिया के हवाले से मिली यह जानकारी। भाइयों ने इकलौती बहन के मायरे में भरे 51 लाख रुपए, 25 तोला सोना, ससुराल वाले देखते रह गए। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।